शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ काहे आए हैं हम? इतने अधिकार से तो सांड भी खेत में नहीं घुसता जितने अधिकार से किसी और के घर में घुसा है। बिना इजाजत, बिना परमिशन अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हुई थी हमारे घर में आने की बिना इजाजत, विदाउट परमिशन। देखो बाबू, हम एक साधारण सिंदूर बनाने वाली लड़की, बनाने वाली नहीं, सिंदूर चुराने वाली। लेकिन इस बार जिस लड़की का सिंदूर चुराने की कोशिश कर रही हो वो विक्रम सिंह राठौर की बहन है और अक्षय हमारे घर का दामाद नहीं, बेटा है। तो उस पे डोरे डालने की कोशिश करना बंद करो क्योंकि वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता और इस बात को मैं दिमाग से निकाल लेना। इतनी दूर आने का कष्ट काहे किया फिर? वही घर ही घर में अपने जीजा को समझाए देते कि शादी शुदा होकर पराई लड़की का हाथ पकड़ना बदतमीजी होती है, दोबारा ना करे। लेकिन नहीं, अपने जीजा से तो कुछ कहा नहीं, हमरे पास चले आए। समझा नहीं है तो कुल्हाड़ी को समझाओ, पेड़ को आके ज्ञान मत दो। तुम जानती हो अक्षय शादीशुदा, उसके बाद भी तुमने उसको फंसाने की कोशिश की। हमने किसी का सिंदूर नहीं चुराया है, तुम्हारे जीजा ने सिंदूर को धोखा दिया है। और वैसे भी तुम जैसे पैसे वाले बड़े लोग यही तो करते है ना छोटे ठाकुर? झूठ बोल रही हो। सच जाके अपने जीजा से पूछो बस। बाकी हम कौनो कपड़े धोने का साबुन नहीं जो सारा दिन तुम्हें सफाई देते फिरेंगे। जाओ अपने घर जाओ, खेल खत्म, पैसा आ जा बस। खेल होगा तुम्हारे लिए, चलिए बहन की जिंदगी है। खुद की बहन की जिंदगी पे बात आई तो खून खोल उठा और दूसरों की बहन का कहा? खून सिर्फ तुम्हारे रगों में नहीं बहता छोटे ठाकुर, हमारे रगों में भी बहता। एक बार जो हमारा खून खोल उठाना तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे तुम। तकलीफ में तो तुम हो, गरीबी से बड़ी कोई तकलीफ नहीं होती। घुमा फिरा के बातें नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते। कीमत बोलो, किसमें पैसे? पता नहीं कितने लेकिन तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा है। रख लो, इससे 10 गुना ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन कल सुबह होने से पहले तुम मेरे घर, मेरे गांव से बहुत दूर निकल जाना। हम कहीं नहीं जाएंगे, ना इस गांव से दूर, ना तुम्हारे परिवार से दूर और ना ही तुम्हारे घर से दूर। और जो रही कीमत की बात, कोई हमसे 2 शब्द प्यार से कह देना तो हम बेमोल बिक जाए। पर तुमने हमें पैसे का जोर दिखाया तो एक बात याद रखो छोटे ठाकुर, तुम्हारा पूरा राठौड़ परिवार 100 बार भी बिक जाए ना तो भी हमारे पलकों का एक बाल नहीं खरीद पाएगा। तुम्हारा ये गुरूर और तुम्हारी ये अकड़, एक दिन अगर मैंने राख नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी विक्रम सिंह राठौर नहीं। एक दिन किसने देखा है? तुम्हारी ये अकड़ आज, अभी और इसी वक्त हम राख कर देंगे। ये पैसा तुम्हारी ताकत, तुम्हारा गुरूर है ना? लो, हमने तुम्हारा गुरूर चलाकर राख कर दिया, अब अपनी इज्जत का राख उठाओ और गंगा जी में बात हो। हमारे घर की ओर नजर उठाकर भी मत देखना क्योंकि हम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें समझाने आया था, लगा था कि शायद तुम अंधेरे में थी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि अक्षय मेरी बहन का पति है। लेकिन तुमने जो किया वो जान के किया, तुम लोगों की नहीं
खुद की नजर में भी बहुत गिरी हुई लड़की हूं। लेकिन इस बार तुमने गलत घर चुना है, क्योंकि शिवानी मेरी बहन है और मैं मेरी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें लगता है दौलत मेरा गुरूर है, इसलिए तुमने इसको जला के राख कर दिया है। अब मेरी बारी। दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो सोचो क्या क्या होगा। बात मेरी बहन की होगी तो एक घर क्या, पूरी दुनिया जला दूंगी। कल सुबह होने से पहले गांव से बाहर निकल जाना। बड़ी माँ, ये हार आपके गले से लग के हार नहीं जीत लगेगा। जिसके भाग में पति नहीं होता उसके भाग में जीत भी नहीं होती। हम दोनों तो अपना सुहाग सुभाग और सुख तीनों ही हार चुके हैं। नारी का सिंगार पति के लिए होता है, जब पति ही नहीं तो सिंगार किस काम का। शिवानी ये देखो कितना बढ़िया रंग है, बहुत खिलेगा तुमको। चलो रहने दीजिए। हैं? क्यों रहने दीजिए? अब शिवानी तुमको तो पता ही है ना कि हमको सजने सबरने का शौक तो है नहीं, पर लोग ये ना कह दे कि हाय माधुरी कितनी सिंपल लग रही हो, इसीलिए सज लेते हैं सबर लेते हैं। तुमको भी सजना सबरना चाहिए। अब देखो ना दामाद जी कितने प्यार से अपनी पसंद की साड़ी तुमको दे रहे हैं, ले लो। अब वैसे भी इस घर में हर औरत को ये खुशी नसीब नहीं होती है। सिंदूर तो सबके हिस्से में है लेकिन सिंदूर का सुख नहीं है। अब हमको ही देख लो ना, हम कितना भी सज लें सबर लें लेकिन तुम्हारे चाचा जी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हैं। और ये देखो इसका पति तो दूसरे शहर में जाके रहता है, और भाभी इनका पति तो किसी दूसरी लुगाई के चक्कर में इनको छोड़कर ही भाग गया। माधुरी माफ करना अम्मा जी, वो गलती से मुंह से निकल गया। हम तो बस इतना ही कह रहे थे कि शिवानी कितनी भाग वाली है कि दामाद जी इसके अलावा किसी को मुंह उठा के नहीं देखते हैं, हैं? है ना शिवानी, सही कह रहे हैं ना? हमने किसी का सिंदूर नहीं चुराया है, तुम्हारे जीजा ने सिंदूर को धोखा दिया है। सच जाके अपने जीजा से पूछो। ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही है, जमाना बदल गया है, कुछ भी हो सकता है। विक्रम विक्रम देखिए ना विक्रम भैया, ये इतना इडियट है, कहता है किरण आने के बाद आप ही के रूम में रुकेगी। और नहीं तो क्यों नहीं रुकेगी? अरे शादी से पहले किरण विक्रम के कमरे में कैसे रुक सकती है? क्या ढूंढ रहे हो विक्रम? क्या चाहिए बताओ तो। विक्रम
ये तो अक्षय जी का बैग है। ये बैग पैक क्यों है? क्योंकि हीरा जी आज रात को उस लड़की के साथ बनारस जा रहे हैं। कौन सी लड़की? जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है। अफेयर चल रहा मतलब? ये रही उन दोनों की रात की ट्रेन की टिकट। जीजा जी का अफेयर? पूरी बात बता विक्रम। से पहले गांव से बाहर निकल जाना। दीदी वो आपको इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं भी जाकर दादी और बड़ी माँ को बताता हूँ। रुक जाओ ध्रुव, बड़ों को कोई कुछ नहीं बताएगा। पर क्यों? क्योंकि अक्षय जी से गलती हुई है। गलती? पर... ये गलती नहीं है। गलती होती ना तो वो आपके पास आते और बोलते शिवानी आई एम सॉरी मुझे माफ कर दे। तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं ना। उन्होंने झूठ बोला, बहाने बनाए। दी समझो गलती नहीं है, धोखा है। धोखा नहीं है, ये साजिश है। उस लड़की ने साजिश करके इनको फंसाया है। ये अक्षय जी धोखा नहीं दे सकते। उस लड़की ने मजबूर किया अक्षय जी को। उसने जाल बिछाया। अक्षय जी से बस यही गलती हुई कि वो उस जाल में फंस गए। या जी कोई छोटे बच्चे नहीं है थी कि कोई भी उन्हें बहला फुसला के कहीं ले गया हो। वो लड़की गलत है, पर जीजा जी भी सही नहीं है। आप उन्हें प्यार करती हैं? वो भी हमसे प्यार करती, हमारी फिक्र करती, रिस्पेक्ट करती। दी रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, दो लोगों को एक दूसरे की इज्जत भी करनी पड़ती है। जीजा जी आपकी इज्जत करें या ना करें, दी आप तो अपनी इज्जत कीजिए। आप तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाइए। दी इस रिश्ते से बाहर आ जाइए। प्यार में सच को अनदेखा मत कीजिए। तुम गुस्से में सच को अनदेखा मत करो। बात समझने की कोशिश करो। बात आपके आने वाले कल की है। नहीं, बात हमारे गुजरे हुए कल की। तुम्हें यही लग रहा है ना कि जो कुछ हमारे साथ पापा ने किया अक्षय जी भी हमारे साथ वही करेंगे? बात सुनने में सच्ची लगती, लेकिन आंख खोल करके अगर अपने आस पास देखोगे ना तो सच यही है कि औरत सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं, सिंदूर के सहारे अपनी जिंदगी जीती है। हाँ हो सकता है कि ये गलत है, हाँ हो सकता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा है। पापा के जाने के बाद माँ ने अपनी जिंदगी कैसे जी हम सब ने देखा है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊं? शिवानी दी, पर आप वैसे जिंदगी क्यों जिएंगी? अभी आपकी उम्र ही क्या है और आप अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकती है। हाँ दी, टाइम जा चुका है, स्टिल मूव ऑन। दी वक्त बहुत तेज चल रहा है और हम वहीं रुक गए हैं। हम नहीं चल सकते, बहुत पीछे रह गए पुष्पा। इस देश में अगर लड़की में एक भी कमी हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। रंग रूप चाल, अगर जरा सा भी कोट हो ना तो वो लड़की घर में पड़ी रह जाती है।
इंसान को तो जीवन साथी भी वही चाहिए जो जिंदगी भर उसके साथ चल सके। पर जो खुद ही नहीं चल सकती वो किसी और के साथ कैसे चलेगी? दी, एक बार आप खुद को हमारी नजर से देखिए। हम तो देख लेंगे अपने आप को तुम्हारी नजर से, पर दुनिया नहीं देखेगी उसको। हमारे गुण, हमारा कैरेक्टर, हमारे अनुभव, इन सब से फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं दिखेंगे उन्हें। उन्हें दिखेगी तो सिर्फ हमारी वीर चेयर। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते हो तो जो हम कह रहे हैं बस वो सुनो, वो करो। तुम हमसे प्यार करते हो तो अक्षय जी को हमसे दूर मत जाने दो। इस लड़की को अक्षय जी की जिंदगी से दूर कर दो। अपनी बहन का घर बचा लो विक्रम। अक्षय जी को वापस हमारी जिंदगी में ले आओ, क्योंकि अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं रहे तो ये जिंदगी हमारी किसी काम की। बस तुम एक बार कैसे भी उस हवेली में घुस जाओ, वहीं तुम्हें वो 9 निधियां मिलेंगी जो हमें हमारी शक्तियां लौटाएंगी। चुपचाप खा लेता रहा, हम जानते तूने कुछ नहीं खाया, भूखी है तू, खा। और मैं भी जानती हूँ कि आप भूखी रहकर मुझे खिला रही हो। बात मेरी बहन की होगी तो एक घर क्या, पूरी दुनिया जला दूंगा मैं। बहन का प्यार दौलत की तिजोरी का सोना नहीं है राठौर। तुमने अपनी बहन की खातिर हमारे घर को भूखकर राख कर दी। अपना हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, और जब खोने के लिए कुछ नहीं बचता है तो डर भी खत्म हो जाता है। हमारा डर तुमने राख कर दिया, अब हम तुम्हें राख कर देंगे। हम आज ही राठौर निवास जाकर 9 नदियां ले आएंगे। गौरी भैया के जी, भैया जी वो लड़की घर छोड़ के चली गई। विक्रम,
तुम दोनों यहाँ पे कैसे? विक्रम, क्या क्या कर रहे हो? विक्रम, विक्रम क्या कर रहे हो? छोड़ो। कहीं जा रहे हैं जीजा जी? नहीं, कहीं नहीं, हम कहाँ जाएंगे? आप मेरी बहन के पति हैं, इसलिए हाथ रुक गया जीजा जी। हम दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप तो जानते हो ना जीजू, बात जब फैमिली की होती है तो भैया आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं देखा। आज आप बच गए क्योंकि क्या आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, और फैमिली नहीं रहे तो आपका क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। मैं चंपा से प्यार करता हूँ और जा रहा हूँ उसके साथ। तुम लोग रोक नहीं सकते मुझे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जीजा जी, मैं आपको रोक नहीं सकता, पर आप उसके साथ जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? क्यों नहीं जा सकता मैं? क्योंकि मैंने उस लड़की को गांव से बाहर निकलवा दिया, इतना दूर भेज दिया कि ना तो वो लौट के आ पाएगी, ना ही आप उसे ढूंढ पाएंगे। ये तो बहुत ऊंची दीवार है, पर कोशिश तो करनी होगी। कहा था ना आज रात गांव से बाहर निकल जाना, समझ नहीं आई बात। ये देश का कौनो भी गरीब पीपल का छांव और अपना गांव छोड़कर इतनी आसानी से नहीं जाता है, और हम तो गरीब भी और बहुत जिद्दी भी। हमने कहा था ना इस खानदान के लोग अपने पैसे और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्यों आई हो यहाँ? परसों पहले तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका हिसाब भी तो बाकी है ना उर्वशी?